Hey guys, मैं हूं फारूक और आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम iPhone 16 के अफवाहों पर गहराई से नजर डालेंगे और सबसे बड़ी बात, इस बार इसमें कुछ डिजाइन चेंज हुआ है जिसने हर किसी को बात करने पे मजबूर कर दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे आईफोन 16 के अफवाहों के बारे में। फेमस लीकर अननोन Z21 के अकॉर्डिंग यह इनोवेटिव फीचर अभी भी डेवलपमेंट के प्रोटोटाइप 2 स्टेज में है, जिसका मतलब है कि यह रियलिटी बनने के लिए एक कदम करीब है और इसमें कैप्चर बटन लगाया जा सकता है। यह रोमांचक खबर बताती है कि आईफोन 16 वास्तव में कुछ यूनिक हो सकता है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि ये कैप्चर बटन क्या है। खैर, यह आपका नॉर्मल फिजिकल बटन नहीं है, इसे एक कैपेसिटिव की कहा जाता है और यह आईफोन 16 के राइट साइड पावर बटन के नीचे होगा। यह वह जगह है जहां करंट आईफोन मॉडल का MMWave 5G एंटीना हुआ करता था। बट डोंट वरी, उन्होंने इसके लिए एक नई जगह ढूंढ ली है जिस पर हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि कैप्चर बटन एक्चुअली में क्या करेगा। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह आईफोन 16 कैमरे के लिए अधिक फिजिकल शटर बटन के रूप में काम करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। उन बेहतरीन फोटोज एंड वीडियो को कैप्चर करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या इसमें कैमरा ऐप के अलावा अदर फंक्शन भी होंगे? क्या आपका फोन लॉक होने पर भी यह आपके कैमरा बटन के शॉर्टकट के रूप में काम कर सकता है? ये कैमरा बटन पूरी तरह से नए नहीं है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, खासकर आईफोन्स पर। हमने इसमें पहले सोनी की एक्सपीरिया सीरीज जैसे स्मार्टफोन पर देखा है। यह एप्पल के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन कई फोटोग्राफिक लवर्स के लिए यूजफुल स्टेप हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि हम आईफोन 16 को मार्केट में कब देखने की उम्मीद कर सकते हैं। अफवाहों के माने तो हमें अगले साल के सितंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इससे एप्पल को डिजाइन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में कई महीने का समय मिल सकता है। क्या वे कैप्चर बटन के साथ बने रहेंगे या हो सकता है कि वे अपना मन बदल ले और बटन लेस डिजाइन के साथ चले। एनसी रोमस के अकॉर्डिंग बैकअप प्लान के तौर पर कैप्चर बटन लेस डिजाइन पर भी काम किया जा सकता है। तो एप्पल एक चौराहे पर है और हमें यह पता लगाने के लिए अधिक अफवाहों पर कंसंट्रेट करना होगा कि वे कौन सा रास्ता अपनाएंगे। यह एप्पल फैंस के लिए एक एक्साइटिंग टाइम है और हम आपको हर कदम पर अपडेट रखने के लिए यहां मौजूद रहेंगे। लेकिन कैप्चर बटन आईफोन 16 सीरीज के लिए स्टोर में केवल रोमांचक बदलाव नहीं है, कुछ और रोमांचक अफवाहें भी उड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक्शन बटन को कैपेसिटिव बटन में भी बदला जा सकता है और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। और अफवाह है कि आईफोन 16 प्रो आईफोन 16 प्रो मैक्स में बड़े डिस्प्ले दोनों प्रो मॉडल पर 5x पेरिस्कोप जूम और हर चीज को पावर देने के लिए बिल्कुल नए A18 चिपसेट होंगे। ऐसा लग रहा है कि एप्पल बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहा है। तो चाहे आप फोटोग्राफिक के शौकीन हो, टेक लवर हो या एप्पल लवर हो, आईफोन 16 सीरीज में आगे देखने के लिए कुछ न कुछ है। जैसे जैसे हम बड़े खुलासे के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे ही हम आपको अपडेट कर देंगे। क्या आप भी इस पॉसिबल गेम चेंजर को लेकर उतनी ही एक्साइटेड है जितने की हम हैं? तो फटाफट नीचे कमेंट करें। और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट के साथ रहें। इसके साथ ही हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और हम जल्द ही आपके साथ एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।